गुड मॉर्निंग बच्चे, आज हम ड्राइंग क्लास शुरू करने जा रहे हैं और ड्राइंग क्लास में सबसे पहले हम आप लोगों को फ्लावर पॉट बताएंगे। फ्लावर पॉट कैसे बनाया जाएगा वो तरीका बताया जाएगा और आप लोग के पास बनाने के लिए पेपर, स्केल, पेंसिल और रबर ये होना जरूरी है। और स्केल का प्रयोग हम सिर्फ मार्जिन खींचने में करेंगे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ये हम बॉर्डर बना चुके हैं। अब इस पेपर में ध्यान देना है कि जो मेरा मिडिल है वहाँ हम पॉइंट डालेंगे। मिडिल से जस्ट थोड़ा और नीचे आएंगे, एक डेढ़ इंच नीचे, तो वहाँ भी एक पॉइंट देंगे। और इसमें सपोर्ट लाइन देना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। खड़ी रेखा और परी रेखा, ये हुआ परी रेखा और ये खड़ी रेखा। ये ऊपर जितनी बड़ी है उसे छोटा होनी चाहिए नीचे। और ये ध्यान देना है कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जितना बराबर होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए। इस बिंदु से जितना इधर है उतना ही इधर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि फ्लावर का सही डायमेंशन बनता है। सपोर्ट लाइन देने से मेरा फ्लावर पॉट सही ढंग से बनेगा। और ध्यान देंगे कि फ्लावर पॉट जब हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें फ्लावर कहाँ और पॉट कहाँ होनी चाहिए। ये पॉइंट है, पॉइंट से नीचे ही होनी चाहिए फ्लावर पॉट, और ये पॉइंट से ऊपर जितने भी ये स्पेस देख रहे हैं इसमें फ्लावर होनी चाहिए। तो अभी हम फ्लावर पॉट का सही लाइन डाल रहे हैं और ये जो लाइन हम पहले दे चुके थे ये सपोर्ट लाइन है। अब इस सपोर्ट लाइन को हम हटाएंगे। हाँ, अब देखिए कि अब हम इसमें जो स्पेस बचा हुआ है इसमें हम फ्लावर बना रहे हैं। तो फ्लावर बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि एक इसमें भी एक सपोर्ट रेखा सर्कल में हम देंगे। ये सर्कल है और यहाँ फिर ये ओवल शेप दे रहे हैं, क्योंकि फ्लावर का जो शेप होता है डिफरेंट होता है, एक ही डायरेक्शन में नहीं दिखता है। ये मेरा सपोर्ट लाइन है, क्योंकि जितने दिए हुए हैं रेखा खींचे हुए जितने भी, इसमें हम फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर भी बनाने का एक तरीका है, जैसे हम ये पॉइंट यहाँ बीच में डाल दिए हैं और इसमें हम आप देखेंगे कि क्रॉस लाइन दिए हुए हैं।
फिर इसमें इधर देना है, फिर यहाँ ऐसे देना है। तो ये मेरा फ्लावर बनाने का एक आसान तरीका है। इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, इससे लेंगे इसको, इसको मिलाएंगे। हाँ, और इसमें हम यहाँ तक देंगे। फिर उसी तरह से इसमें है, ओवल शेप है, ये देख रहे हैं ओवल शेप में है। तो हम बोले थे कि अलग अलग डायरेक्शन में फ्लावर दिखता है। जब हम फ्लावर पॉट को देखेंगे, फ्लावर उसमें है तो अलग अलग डायरेक्शन दिखेगा। इसमें भी हम पॉइंट दिए, और ये भी ध्यान देंगे कि हम पॉइंट देने के बाद पहले ये भी हम ऐसे ओवल ही शेप में छोटा सा दम कर सकते हैं इस तरह से। इसमें भी होगा प्लस किए हैं इस तरह से, क्योंकि सब लाइन इक्वल है। अब इसको हम चाहें कि डिफरेंट फ्लावर बनावे, तो हम डिफरेंट फ्लावर हम इस सपोर्ट लाइन के अंदर ही बनाएंगे, इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसमें पत्ती लीफ देना चाहेंगे इस तरह से, लीफ दे सकते हैं। लीफ के बाद ये लाइनिंग दिखता है यहाँ, तो इसको हम इरेज कर सकते हैं। फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, इसमें होगा। इसी तरह से हम कंप्लीट एक फिर फ्लावर और आपको आपके सामने ये है, और यही फ्लावर पॉट आप लोग आज बनाएंगे। और इसमें ध्यान देना है कि इसमें देखे देखते हैं डिजाइन दिया हुआ है, देख रहे हैं डिजाइन दिया हुआ है। तो इस डिजाइन को भी हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ ये पहले का है, और इसमें हम लाइनिंग जो हम स्ट्रेट नहीं देंगे, सीधा लाइनिंग नहीं देंगे, इसमें हम कर्व लाइनिंग देंगे इस तरह से। फिर डिजाइन को हम इस तरह से बनाएंगे। डिजाइन हम अलग भी कर सकते हैं सोचकर, डिफरेंट डिफरेंट तरह का डिजाइन होता है। और फ्लावर में जो कलर करेंगे, फ्लावर में कलर, फ्लावर का कलर ब्लू, रेड, पिंक और ग्रीन, पत्ती जो है सो ग्रीन करेंगे। और फ्लावर को पॉट को हम कोई भी कलर से, अलग अलग कलर से कर सकते हैं। फिर डिजाइन को फिर अलग, फिर दूसरा ब्राइट कलर से करेंगे डिजाइन को, जो कंट्रास्ट जो फ्लावर पॉट हो उससे कंट्रास्ट होनी चाहिए। हाँ, और फिर बॉर्डर को हम पूरे कलर करेंगे, सारे बॉर्डर जो दिया गया है इसमें कलर करेंगे। समझ गए होंगे बच्चे, और आज इतना ही बताएंगे, फिर अगले क्लास।